Hello everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. इस वीडियो में हम फैमिली लॉ 2 के नेक्स्ट केस को करेंगे, मोरो विश्वनाथ वर्सेस गणेश विट्ठल। ये केस अगेन कोपासनर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे बेस्ड है। तो इस केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोपासनर का इंट्रो देना चाहूंगी। तो कोपासनर के बारे में मैंने बताया था कि कोपासनर जो है कॉन्टिन्यू चेन ऑफ 4 जनरेशन ऑफ मेल मेंबर, जैसे कि एक पर्सन सन 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 और सन सन। तो यहाँ पे ये हो गई जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। तो कोपासनर में ये 4 ही कोपासनर होंगे जो कॉन्टिन्यू चेन है। अगर यहाँ पे ये भी है, इन केस ये सन ऑफ सन ऑफ सन ऑफ सन भी है, तो जब तक ये ओरिजिनल एक्वायरर ऑफ द प्रॉपर्टी लिविंग है, तब तक ये जो लास्ट है ये कोपासनर नहीं बन सकता। कोपासनर के लिए जो फर्स्ट होल्डर है उसको छोड़ के 3 और होल्डर की जरूरत होती है, यानी टोटल मिला के 4 कॉन्टिन्यू मेल जनरेशन ऑफ अ फैमिली वो कोपासनर होती है। इन केस S2 की डेथ हो जाती है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो जो कोपासनरी है वो यहां से यहां नहीं जाएगी, वो ये 4 तक ही रहेगी। मैटर ये करता है सिंपल लैंग्वेज में कि जो मेन फर्स्ट होल्डर है अगर वो लीविंग है तो इस लीविंग के बाद 4 जनरेशन, चाहे वो 4 जनरेशन में से कोई भी लीविंग हो या डेथ जिसकी हो चुकी हो, अगर इसकी बजाय इसकी डेथ हो जाती है तो कोपासनरी जो है ये 3 कोपासनरों में कंसिस्ट रहेगी, इसको इधर से नीचे नहीं जाएगी। इन केस इसको पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ओरिजिनल एक्वायरर ऑफ द प्रॉपर्टी जो कोपासनर बनेगा फर्स्ट होल्डर वो ये बनेगा। अब जो कोपासनरी होगी वो इसके बाद यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगी, तब ये एक जनरेशन नीचे जाएगी, यानी कि ये जो 4 कोपासनर है ये कॉन्टिन्यू चेन में होने चाहिए, कॉन्टिन्यू चेन ऑफ मेल जनरेशन, वो भी 4। इसके बाद के फैमिली में तो रहेंगे लेकिन वो कोपासनर में इंक्लूड नहीं होंगे, उनके राइट्स भी रहेंगे लेकिन कोपासनरी सिर्फ 4 जनरेशन तक ही रहेगी। स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट को। तो इस केस में जो उद्धव है वो ओरिजिनल एक्वायरर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है और यहाँ पे इसके 4 जनरेशन, कोपासनरी 4 जनरेशन तक होती है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे SSS यहां तक कोपासनरी खत्म हो जाती है, यहां तक कोपासनर 4 हो गए। जो गणेश होता है वो ग्रेट ग्रैंडसन होता है, गणेश जो इस केस का प्लेंटिव है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो उद्धव के एक सन की इधर से चेन चल रही है, नेक्स्ट जो है एक उद्धव, 2 S1 S1 SS1, 3 SSS, ये 4, यहां तक कोपासनरी है, यहां तक और इधर यहां तक। जो गणेश है वो रिमूव्ड फ्रॉम 4 जनरेशन ऑफ कोपासनर है, वो 4 जनरेशन से एक्सक्लूडेड है। तो इस केस में क्या होता है कि गणेश जो है वो पार्टीशन की डिमांड करते हुए केस फाइल करता है। तो ये इस केस के फैक्ट हैं। इस केस का लीगल इश्यू क्या है, वेदर अ पर्सन रिमूव्ड मोर देन 4 डिग्रीज फ्रॉम द ओरिजिनल एक्वायरर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन डिमांड अ पार्टीशन, कि क्या वो पार्टीशन की डिमांड कर सकता है। जो पर्सन मोर देन 4 डिग्री हो, 4 जनरेशन से ज्यादा हो, तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में जो ये फैक्ट है कि जो पर्सन है वो 4 डिग्री से ज्यादा क्या डिमांड कर सकता है या नहीं,
बट इसमें ये देखा जाएगा कि जो कोपासनरी है वो चार जनरेशन तक ही सीमित है, उसके बाद के जनरेशन में जो गणेश है वो रिमूव्ड है और इसीलिए वो उसकी डिमांड नहीं कर सकता। अगर गणेश इनमें से कहीं पे फॉल करता या यहाँ पर भी होता तो वो जो है वो डिमांड कर सकता था, या उद्धव यहाँ पर होता तो डिमांड कर सकता था, लेकिन वो रिमूव्ड फ्रॉम फोर जनरेशन है, इसीलिए गणेश जो है वो डिमांड नहीं कर सकता और ये इसीलिए जजमेंट जो है वो डिफेंडेंट के फेवर में जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड जब भी आप इन टाइप को केसेस को देखें तो हमें कोपासनर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज। थैंक